अच्छे से अच्छा मुकदमा हो तो अगर आपको फीस ज्यादा लगी है तो कॉपरेट तो जीत जाएगा, और अगर ईमानदारी से बोलना है तो कॉपरेट 50% चांसेस दिला सकता है। अभी वो 1% है जो एज करता है, जिससे रिजल्ट का पेंडुलम इधर उधर होता है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो जज के हाथ में होता है, और वो कभी कानून पर ही डिपेंड नहीं करता। एब्स्ट्रैक्ट लॉ इज नथिंग, कोई कानून के शब्द आप समझे यही फाइनल है, ऐसा नहीं होता। बहुत से फैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं जिससे किसी भी मुकदमे का फैसला बदल सकता है। इसीलिए लेमैन कहता है कि साहब मेरा मुकदमा उसी जैसा था, लेकिन जज उसमें डिस्टिंक्शन निकाल देता है। मेरे गुरु कहा करते थे, लॉ इज नथिंग बट लाउड थिंकिंग एंड कॉमन सेंस। दूसरा, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि कानून क्या है। ए लॉयर नीड नॉट टू नो व्हाट लॉ इज, ही शुड नो वेयर लॉ इज। आपने देखा होगा बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, अब यह समझ में नहीं आता कि कौन सी किताब में अपने मतलब का कानून ढूंढे, और अगर इसको लग गए तो एक मुकदमा पूरी जिंदगी तैयार नहीं हो सकता। अब सिस्टम ऐसा आ गया है कि आपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन गूगल में डाला है ये प्रॉब्लम, ये केस, और तुरंत लिस्ट निकल के आ जाती है। लेकिन कभी उन केसेस को निकाल के पढ़िए, ऐसे ऐसे केस होते हैं जिनका आपस का कोई रिलेशन नहीं होता, उनके फैक्ट सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर प्रैक्टिस हो गई है ये बड़ी सेफ नहीं है, इसीलिए कई बार जो नए लड़के आते हैं और वो कंप्यूटर के जजमेंट निकाल के जज को पास ऑन कर देते हैं, फिर कहते हैं अरे जज ने तो माना नहीं, वो ये डिस्टिंक्शन नहीं समझ पाते कि रियल डिस्टिंक्शन क्या है। देखिए, मैं अपनी अदालत में कहा करता था, लोग जब बहस करते थे तो हमेशा कहता था कि दुनिया में सैकड़ों करोड़ लोग हैं, 400-500 करोड़ सब मिलाकर टोटल पॉपुलेशन, और सबके कुछ कॉमन फीचर हैं, सबके पास दो आँख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो हाथ, पैर, एक है ना, या कहीं आपको तीन आँखों के चार कान वाले लोग मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोग अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो ऐसे कुछ डिस्टिंक्शन सब में है कि अपेरेंट फीचर सेम है लेकिन फिर भी डिस्टिंक्शन है। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा मैटर उससे मिलता है, आपको हर चीज को अलग से पढ़ना पड़ेगा। लॉ की प्रिपरेशन बहुत आसान है, कोई मैटर हो सबसे पहले उसके फैक्ट्स को एनालाइज करें। फैक्ट्स कैसे एनालाइज होते हैं, जो क्लाइंट होता है वो अपना दुख लेके आता है, उससे ज्यादा तो कोई अपने मुकदमे को नहीं समझेगा। हाँ, गांव के लोग भी आते हैं, उन्हें ज़्यादा मालूम नहीं होता, लेकिन उन्हें बेसिक समस्या मालूम है, तो पहले उससे समझ लीजिए भाई तेरी दिक्कत क्या है। जो उसके पास कागज हो उनका एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए, फिर जो प्रॉब्लम दिख रही हो उससे जो आपको लॉ रेलिवेंट लॉ समझ में आता है उनके बेरेक उनकी कमेंट्री निकालिए, उस पर देखिए क्या लॉ है। देखिए, ये हमेशा हो सकता है कि आपको किसी मैटर में डिसाइडेड केस एक ही तरफ मिले हैं, लेकिन आप उन्हीं को पढ़िए तो आपको दूसरी साइड के आर्गुमेंट उसी में मिल जाएंगे, और कई बार वो दूसरी साइड के आर्गुमेंट सब्सिक्वेंट जजेस को अपील कर सकते हैं। ये कतई जरूरी नहीं है कि जो कानून पहले जजेस ने बनाया उसे बाद वाले जजेस सही माने, वरना सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट क्यों ओवररूल होते हैं। सेवाकांत शुक्ला अभी रिसेंटली ओवररूल हुआ कि नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट जूनियर चंद्रचूड़ साहब ने ओवररूल किया, आपको मालूम है। एंटायरिंग एफर्ट्स ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट ऑल द जजेस एंड द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम व्हिच देयर इज अ पार्टिसिपेशन इन दिस कंपटीशन दैट दिस इज माय मोरल ऑब्लिगेशन टू फॉर्मली पे थैंक्स टू एवरीबॉडी। सो ऑन द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आई एम हाईली थैंकफुल फॉर द प्रेजेंस ऑफ आवर ओन Mr. Justice Sudhir Agrawal sir, who consented to be the judge of our final round, and we are feeling delighted and indebted sir
We are highly thankful for your presence and for the acceptance of the invitation to be the judge of the final round. Thank you very much, sir. In chain, I am thankful to Justice Rajesh Chandra, sir, former Judge Allahabad High Court, and we requested you, and in a short spell of time, even you consented and you accepted our invitation, and you are here for judging the finalists. I am thankful to you, sir. Dr. N.K. Bell, sir, firstly, he told me that he is slightly busy, but when I requested, sir, you will be the judge in the final, I said we want that you may share some inputs for the future buddy lawyers that will be useful for their lives. And he consented, yes, I will come and I will share a couple of things with the students so that they can incorporate those things in the moot court competition as well as in their life. So, sir, I am thankful you for your presence and for your motivational work. When we are talking about any competition, then it is rather impossible without the support, or I can say, you know, from the support from the core of the heart of the management. Because when we are in a private institution के अंदर किसी भी activity को कराना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है. और management हर चीज को ये देखता है कि कहीं ना कहीं इसके pros and cons क्या होंगे. But when I am talking about this mentoring institution and Subhati University, then they used to talk about the outcome in term of the academic excellence, outcome in term of how we are providing opportunity to the students so that they can develop their skills. And when I am talking about this second Subhati InMentech National Moot Court competition, then I am thankful to the entire management of InMentech institution. Our presiding, the sir who is presiding the session, Shri K.S. Gupta sir, he has consented and given the free end to the entire team who is the part and parcel of this food court competition. I am thankful to you, sir. And I am further thankful for your, you know, visible presence yesterday and today for the whole time. This is really remarkable and this is really motivational for all of us. I am thankful to Latika madam. Dr. Latika ji, you are here to motivate us and to bless us. We are thankful to you.